वैशाली में मंगलवार की देर रात पुलिस पब्लिक में झड़प हो गई। आक्रोशित लोगों ने वैशाली एसपी की सरकारी गाड़ी में आग लगा दी। आग की लपटें काफी तेज थी। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कई महिला पुरुष पुलिसकर्मी घायल हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर उत्पातियों ने सब इंस्पेक्टर संजय कुमार का सर्विस रिवॉल्वर भी छीन लिया और जमकर पिटाई भी कर दी। हाजीपुर में हुई घटना में घायल सभी लोगों का इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। दरअसल मामला अतिक्रमण से जुड़ा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर को हटाने वैशाली पुलिस पहुंची, लेकिन लोगों के विरोध के बाद बवाल बढ़ गया। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस बल में सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर की पुलिस भी शामिल थी। हाजीपुर में बवाल की असल वजह अतिक्रमण है। मामला कोर्ट में लंबित है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मामले की सही जानकारी कोर्ट को अधिकारी नहीं बता रहे हैं, जिस जमीन को प्रशासन अतिक्रमित बता रहा है। दरअसल वो जमीन निजी है, जिससे कुछ लोग नगर परिषद की जमीन बता रहे हैं। पटना कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना कॉलेज में आयोजित समारोह में आर्ट्स कॉलेज के छात्र और छात्राएं पहुंची थी, जहां पटना कॉलेज के हॉस्टल के छात्रों ने न सिर्फ आर्ट्स कॉलेज की छात्राओं के साथ बदसलूकी की बल्कि छेड़खानी भी की और बचाव में आए छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर आर्ट कॉलेज के छात्र भी पटना कॉलेज पहुंच गए और दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। नाराज आर्ट्स कॉलेज के छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। आर्ट्स कॉलेज के छात्रों ने वीसी से इसकी शिकायत की है। औरंगाबाद में नक्सलियों ने ढिबरा थाना के चौकीदार को अगवा करके उसकी हत्या कर दी। घटना ढिबरा थाना के बनुआ गांव की है, जहां नक्सलियों ने चौकीदार गिरजा पासवान को घर से अगवा कर लिया। उसके बाद घर से थोड़ी दूर ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 5 से 6 की संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हमारे गाँव के पूरा पिसा की ओर खेत में ले जाकर हम लोग को बोले कि आप लोग आप यहाँ से जा सकते हैं, इनसे कुछ बात करनी है, इनको हम सुबह छोड़ देंगे। तो हम लोग वहाँ से नहीं आ रहे थे, तो हम लोग को मारने का धमकी दिया, प्लस हम लोग को थोड़ा दूर तक जाकर छोड़ा। और छोड़ने के बाद उसने हम लोग करीब 2 या 3 मिनट बाद गोली की आवाज़ आई, 3 फायरिंग की आवाज़ हुई, जिसमें 4 गोली लगी, 1 आवाज़ नहीं आया था। हम लोग घटनास्थल पर 10 मिनट के बाद वहाँ पहुँचे थे। पिताजी वहाँ हमने लाश पाई। पुनपुन में सीएम ने कहा कि महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी नीति लागू की जा रही है। नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल से बिहार में शराबबंदी के वादे को दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में बचे हुए देशी शराब को 31 मार्च तक नष्ट कर दिया जाएगा। इधर तक कम लोग पीते हैं, लेकिन जो भी पीते हैं अब छोड़ दीजिए 1 तारीख से, उसके पहले ही से छोड़ना शुरू कर दीजिए। अचानक छोड़िएगा तो गड़बड़ लगेगा, तो इसलिए पहले ही से छोड़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि 31 मार्च को अगर कोई देसी शराब बच जाएगा कहीं, सबको विनष्ट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाल विवाह और भ्रूण हत्या रोकने की जरूरत है, इसके लिए बालिकाओं को शिक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार छात्राओं की शिक्षा के लिए तत्पर है और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। सामाजिक कुरीति है बाल विवाह। बाल विवाह से महिलाओं को बहुत नुकसान होता। बाल विवाह के खिलाफ जगह जगह महिलाएं अब संगठित हो रही हैं। दूसरी बात है, लोग पहले से पता चल रहे हैं, महिलाएं जब गर्भवती रहती हैं उसी समय पता करने की कोशिश करते हैं। ये गैर कानूनी हरकत है कि लड़का होने वाला है कि लड़की, या लड़की हो तो भ्रूण हत्या हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी कुरीति है। वहीं सीएम ने कहा कि लोगों को शिकायतों, समस्याओं के समाधान का अधिकार 1 मई से मिल जाएगा। सीएम ने कहा कि बिहार में 1 मई से लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू होगा और लोक समस्याओं की अनदेखी करने वाले सरकारी सेवक के खिलाफ जुर्माना से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होगी। कि अगर किसी की कोई शिकायत है तो शिकायत का निराकरण होना चाहिए, शिकायत का निवारण होना चाहिए, ये कानूनी हक मिलना चाहिए। हमने कानून बनाकर बिहार के लोगों को ये कानूनी हक प्रदान कर दिया, उसकी नियमावली भी बना दी, 1 मई से लागू होगा।
सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने सात निश्चय को दोहराया। उन्होंने बताया कि सात निश्चय को लागू करने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। घर घर शौचालय, हर गांव में गली और नाली का निर्माण, हर घर को नल का पानी, यह सब उपलब्ध कराना। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अनुमंडल स्तर पर आईटीआई खुलेगा, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग की पढ़ाई की व्यवस्था, यह सब भी हम लोग खोलेंगे। यह सब हमारा संकल्प है, उसी के लिए काम करें। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने को नीतीश ने गलत ठहराया है और इसके लिए केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ा है। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने से केंद्र सरकार अरुणाचल की सरकार को अस्थिर करने में जुटी हुई थी। केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं दूसरे दल की सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये बिल्कुल गलत काम हुआ और कई पिछले डेढ़ महीने से अरुणाचल की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए सारी साजिशें की जा रही थी, तो ये बहुत गलत है। मधुबनी के हरलाखी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख आज है। नामांकन पत्रों की जांच 28 जनवरी को होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 13 फरवरी को होगा और मतों की गणना 16 फरवरी को होगी। दरअसल हरलाखी सीट से नवनिर्वाचित आरएलएसपी नेता वसंत कुशवाहा विधानसभा में शपथ भी नहीं ले पाए थे कि 30 नवंबर को उनका निधन हो गया था। तब से हरलाखी सीट खाली है। इस बार के उपचुनाव में आरएलएसपी ने वसंत कुशवाहा के बेटे सुधांशु शेखर को अपना प्रत्याशी बनाया है जबकि कांग्रेस ने मोहम्मद शब्बीर को अपना प्रत्याशी बनाया है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में विजय चौक पर तिरंगा फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई और फिर राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। दिल्ली के राजपथ पर भारतीय सेना की टुकड़ियों ने परेड किया और अपने प्रमुख आयुधों का प्रदर्शन भी किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस की सैन्य टुकड़ी ने भी परेड में भाग लिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विदेशी सैन्य टुकड़ी गणतंत्र दिवस में परेड में शामिल हुई। राजपथ पर अलग अलग प्रदेशों और अलग अलग विभागों ने अपनी झांकियां प्रदर्शित की। इस मौके पर बिहार की ओर से भी झांकी निकाली गई। बिहार की झांकी इस बार चंपारण पर आंदोलन पर केंद्रित थी। उत्तराखंड की झांकी में रमाण उत्सव को दिखाया गया। ये उत्सव हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की झांकी में सफेद बाघ को दिखाया गया, साथ ही जंगल और बाघ बचाने का मैसेज भी दिया गया। कर्नाटक की झांकी में कोडगु को दिखाया गया। कोडगु को कर्नाटक का कॉफी लैंड कहा जाता है और ये कर्नाटक का फेमस हिल स्टेशन भी है। पश्चिम बंगाल की झांकी में बंगाल के चारण कम्युनिटी की झलक दिखी। तमिलनाडु की झांकी में ठोडा जनजाति को दिखाया गया। चंडीगढ़ की झांकी में सपनों के शहर में खुला स्वागत करते दिखाया गया। हरे भरे और चित्र में सपनों के शहर के रूप में दर्शाने का प्रयास हुआ है। राजस्थान की झांकी में हवा महल को दिखाया गया जिसे जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। जाया
सिक्किम की झांकी की थीम सागादावा था। सागादावा सिक्किम का बुद्ध जयंती उत्सव है। जम्मू कश्मीर की झांकी का थीम मेरा गांव मेरा देश था, जिसके जरिए हरे भरे गांवों को दिखाया गया। गुजरात की झांकी में गिर के जंगल दिखाए गए। जंगल के राजा के तौर पर सबसे आगे एशियाई शेर को रखा गया। राजपथ पर संस्कृति और देश के उज्जवल भविष्य की झलक भी दिखाई दी। सबसे पहले गोवा की झांकी आई, जिसके जरिए जागोर जनजाति की झलक दिखाई गई। राजपथ पर निर्वाचन आयोग की भी झांकी दिखी। निर्वाचन आयोग की झांकी को पहली बार परेड में शामिल किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय की झांकी की थीम सशक्त महिला सशक्त पंचायत रखी गई थी। पंचायती राज मंत्रालय की ये झांकी कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्ट्री की झांकी भी राजपथ में शामिल थी। इस बार उसका थीम था डिजिटल इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की झांकी भी सलामी परेड में शामिल थी। इस बार इसका थीम था स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे, खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की झांकी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की झांकी दिखी। देश उनका 125वीं जयंती मना रहा है। देश नमन तुम्हें करता है, संविधान का पथ जो दिखाया, देश उसी पे चलता। उत्तर प्रदेश की झांकी में जरदोजी कढ़ाई का कला को दिखाया गया। जरदोजी सबसे पुरानी और महंगी कढ़ाई शैलियों में से एक है।
असम की झांकी में रोंगाली को दिखाया गया। रोंगाली बिहू त्योहार के दौरान होता है। इसमें असम की महिलाएं पारंपरिक डांस करती हैं। गणतंत्र दिवस का जश्न वाघा बॉर्डर पर भी दिखाई दिया। वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट के आयोजन में बीएसएफ जवानों का जोश देखकर लोगों ने भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जवानों ने भी अपनी सीमा में ऐसा ही प्रदर्शन किया और इस दौरान उनकी तरफ से भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। सड़सठवां गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। पटना के गांधी मैदान में सैन्य टुकड़ियों की ओर से मार्च पास्ट किया गया। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एसटीएफ और बीएमपी, एनसीसी के कैडेट्स ने मार्च पास्ट में भाग लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। धनबाद में 6455 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। करीब 12:30 बजे रांची पहुंचेंगे। इसके बाद वो घाटशिला रवाना हो जाएंगे, फिर धनबाद जाएंगे। वहां करीब 2:30 बजे कार्यक्रम है, जिसके बाद वो देवघर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। झारखंड ने केंद्र को राज्य के 20 सड़कों को एनएच का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें से 13 इंटरस्टेट सड़कें हैं, 7 इंडस्ट्रियल रूट की सड़कें हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि झारखंड दौरे के क्रम में गडकरी इन सड़कों को एनएच का दर्जा दिए जाने की घोषणा कर सकते हैं। धनबाद के कोयला नगर के नेहरू कॉम्प्लेक्स मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के साथ धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग के सांसद भी मौजूद रहेंगे। इन जिलों के विधायक और जिला परिषद के सदस्य शामिल कार्यक्रम में होंगे। पलामू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पिपराटांड थाना इलाके से टीपीसी के खादकोर नक्सली नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के पास एक पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस और 2 लोडेड मैगजीन बरामद किया है। कुख्यात नक्सली नरेंद्र के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोकोनिया गांव से 7 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगा रहे थे। जामताड़ा पुलिस पिछले एक महीने से साइबर अपराधियों पर नजर बनाए हुए थी और इनके मोबाइल को ट्रेस किया जा रहा था। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से 5 मोबाइल सेट और कई सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने तेनुघाट नहर को काटने की कोशिश की। पुलिस काफी मशक्कत के बाद विस्थापितों को मनाने में कामयाब रही। बोकारो प्रशासन की पहल पर आंदोलनकारियों और प्रबंधन के बीच वार्ता हुई। आंदोलनकारियों ने प्रबंधन को मांग पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया है। पलामू में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सुमित्रा पासवान से अपराधियों ने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। अपराधियों ने 4 जनवरी को फोन कर रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद सुमित्रा ने पुलिस के आला अधिकारियों से आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें अब तक कोई सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई है। जमशेदपुर के टाटा स्टील परिसर में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। वहीं देश की मशहूर तीरंदाज दीपिका कुमारी ने केक काटा। समारोह में आए लोगों ने दीपिका को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। आपको बताएं कि दीपिका का नाम इस साल पद्म सम्मान के लिए चुना गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पास से एक AK-47 बंदूक और कुछ मैगजीन बरामद हुई है। घटना कोकेरनाग की है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के प्रसिद्ध शनि
सिंगनापुर मंदिर में पुलिस ने महिलाओं को रोक दिया। यहां मंदिर में महिलाओं के पूजा करने पर पाबंदी है। इस पाबंदी का विरोध कर रही मंदिर में जबरन दाखिल होने जा रही महिलाओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस के रोके जाने पर ये महिलाएं बाद में सड़क पर धरने पर बैठ गई। महिलाओं ने सड़क पर लेट कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने कई महिलाओं को हिरासत में ले लिया। घुमाता ब्रिगेड से जुड़ी इन महिलाओं के संगठन ने मंदिर में पूजा करने की पहले ही घोषणा कर दी थी। हालांकि महिलाओं के घोषणा के बावजूद मंदिर प्रबंधन अपने फैसले पर अड़ा है। प्रशासन 4 फरवरी तक जिले में किसी भी तरह से लोगों के एकजुट होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शिमला में स्कूली छात्राओं ने स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। छात्राओं ने रैली निकाली और लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया। एडिलेड में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मैच देखने के लिए भारी संख्या में भारतीय दर्शक पहुंचे थे। लोगों ने मैच का भरपूर लुत्फ लिया।